We are here in Kottayam. From Munna to Kottayam, it's like 3 to 4 hour journey. And by bus, it was quite easy to take bus from Munna to Kottayam. Now we entered the port for Kottayam to. यहाँ कोई इवेंट चल रहा है? हाँ, कोई इवेंट है यहाँ पे? अलग अलग चैनल है यहाँ पे, देखो अभी ये कनेक्टिविटी अलग है। ये जो ठीक सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ब्रिज है जो कि अभी लेडी ने यहाँ पे बोट ने हॉर्न मारी है, तो लेडी उसे ओपन करने के लिए जा रही है। और ये टेक करने के बाद देखो ये जो होगा, ये अब ब्रिज जो है ऊपर उठने लगा ना। अब ये इसको रस्सी के सारे खींचेंगे और फिर हमारा बोट जो है इसको क्रॉस करके आगे की ओर जाएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि केरला की लिटरेसी रेट अगर अच्छी है, यहाँ पे वुमेंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको जनरली आपको हर जगह पब्लिक में या पब्लिक में आपको वुमेंस की जो रोल है वर्कर कल्चर वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ये हम ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ब्रिज को जैसे हम क्रॉस करेंगे दोबारा ये जो है ब्रिज को, ये हमारा ब्रिज हमने उठा लिया और हम क्रॉस करके ब्रिज को। बाकी सामने का व्यू देखो, ये बैक वाटर है, इसमें बिल्कुल इसके अलग अलग स्टॉपेज भी हैं, ये जगह जगह जाके रुकती है और वहाँ लोग बैठेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे होता है ना कि अगर पानी इकट्ठा हो तो गंदा रहता है, स्मेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एपोजा 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एलापोजा 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। एक्चुअली एलपी को एलापोजा भी बोलते हैं और यहाँ से उसका डिस्टेंस लगभग 16-17 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते जा रहे हैं, मैं आपको खूबसूरत नज़ारों को दिखाते हैं। ये केरला का सिटी से आउटसाइड का व्यू है जहाँ पे खेती होती है। और ये चैनल होगा जिसमें इरीगेशन के लिए वाटर का कलेक्शन किया जा रहा होगा रिवर के थ्रू। शहर से थोड़ा हट के अगर आप केरला को देखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप कोट्टयम से एलपी का एक बोट टूर लें। नारियल यार पेड़ में पीने का मन कर रहा बट अभी मिलेगा नहीं। दूर दूर तक यहाँ धान की खेती हो रही है। और यहाँ की पता है एक स्पेशलिटी बताऊँ, यहाँ जो चावल है ना, वो चावल के दाने मोटे होते हैं, एकदम गोलू गोलू, मतलब बड़े बड़े। हाँ, हमारे जैसे पतले होते हैं, अलग अलग वैरायटीज होती है, बट यहाँ मोटे होते हैं, गोल बड़े होते हैं। जैसा हम नॉर्मल कच्चे चावल को भुनने के बाद देखते हैं ना, वैसा यहाँ पे नॉर्मली बना हुआ चावल होता है। अन्ना बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये उनकी बोट लग रही है। अच्छा, घर देखो बिल्कुल बगल में है ना, तो उनको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी तो फिर वो बोट से इस पास ऊपर। हाँ, उधर रास्ता है नहीं तो मतलब वो बोट से इधर आते होंगे। जैसे हमारे पास हर घर में गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ यहाँ पे हर घर में एक नाव है, डेली यूजर्स के लिए वो नाव लेके चल लेते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग, यहाँ से अलग अलग दिखा हुआ है। 6:45 टू एलापोजा, 7:15 एंड 11:30 हम बैठे हुए हैं 1, तो ये क्या है 1:11:30, ये 2:30 टिकट प्राइस यहाँ पे 29, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा। This is the different like people boating is here. Hello Anna. Hi. This is like people from the Kerala village and इनका घर है और अपना ही बोट है यहाँ पे, जब भी इनको बाहर जाना हो तो।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चैनल का साइज बढ़ता जा रहा है, और ये काफ़ी पीसफुल है। और केरला के बैक वाटर में अगर आप बोटिंग कर रहे हैं, सच में आपको नेचुरल व्यूज़ कमाल के मिलेंगे और यू विल फील रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अगर हम इसको देखें तो बीच में एक्चुअली मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो अभी हमारे सामने है केट्टुवल्लम, ये हमारा हाउस बोट है एक्चुअली, कुछ लोसिकारा अभी बोट होता है नहीं यहाँ पे केट्टुवल्लम में, स्पेशली केरला टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सारे बोट्स होते हैं जो स्पेशली वुडन से बने होते हैं। इनमें आपको बेडरूम, रेस्ट रूम एंड लाइक रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आई थिंक पर नाइट 800 to 1000 पर पर्सन है यहाँ पे, और डिपेंड है डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ बोट्स पे डिपेंड डिफरेंट है। और यहाँ आप इजीली आकर स्टे कर सकते हो, और ये लाइक डिफरेंट फन होगा, डिफरेंट एंटरटेनमेंट होगा आपके लिए, डिफरेंट मस्ती होगी। आप यहाँ बिल्कुल पीसफुल क्वाइट होकर के नेचर के साथ कुछ पल बिता पाओगे। यहाँ मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और यहाँ पे ढेर सारा हाउस बोट है जिसमें लोग स्टे करते हैं फैमिली के साथ। तो यार कमाल का व्यू है, मुझे मैं अभी वापस जाने वाला था एरना क्लब के लिए, अच्छा किया मैंने छोड़ा नहीं। साथ आप काफ़ी क्लोज रहते हो, और ये जो बैक वाटर ऑफ केरला है, यहाँ पे जो स्विम होता है ना, आपको समुद्र की फीलिंग तो आ रही होगी, बट समुद्र जैसा यहाँ पे फ्लो नहीं है, मीन्स इतने ज़्यादा वेव्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको बैक वाटर ही बोला जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है, नॉर्मली आप देखोगे अलग अलग किनारों पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कोई मार्केट नहीं है, या कोई मॉल नहीं है, या कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको हाउस बोट, और जो भी चीज़ें आपका वहाँ पे अवेलेबल है वो, इसके अलावा आप कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते। आपको कनेक्टिविटी अगर चाहिए तो आप उस बोट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाओगे, और वहाँ पे फिर आपको कोई भी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होगा, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जब भी आते हैं केरला के लिए तो कोट्टयम केरलिकी का बजट करें, और ये काफ़ी फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी है। स्पेशली अगर सपोज करें आप अकेले हैं तो 29 rupees में कोट्टयम केरलिकी बहुत ही नॉर्मल प्राइस है ये आपके लिए। और अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, यहाँ पे शिकारा बोट बुक करना चाहते हैं, हाउस बोट बुक करना चाहते हैं, तो आई थिंक 1500 पर पर्सन पर नाइट का है यहाँ पर 24 hours। लगभग आधे घंटे बाद आपको ये वास्ट व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर स्टीम बोट भी अवेलेबल हो गए क्योंकि आप धीरे धीरे एलपी के पास सिटी में आ रहे हो। अब
भाई ये लग रहा है पूरा समुद्र में ही आ गए हैं। गजब क्या व्यू है, इतना गजब अच्छा लग रहा है यार। तो सच को तो बस देखने का मन कर रहा है, बोले कुछ मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। केरला की खूबसूरती देखनी है तो आप ज़रूर एक बार कोट्टयम टू एलेप्पी का बोटिंग करिए। इतना ज़बरदस्त है कि आप मतलब इट्स मन मोहने वाला खूबसूरती है ये। आप एक बार देखो और आप दीवाने हो जाओगे, कितना खूबसूरत है ये। जो सीनरी में देखते थे व्यू ना, बिल्कुल वही सारी चीजें क्लिक हो रही है अभी। देखो ये होटल में बेडरूम्स रेस्टरूम्स एंड रेस्टरूम सारा कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी, आपको बस बुक करना है इसको। अब यहाँ से एलपी बस कुछ ही दूर पर है तो चलिए। हाय बोल, तो स्वागत है आप सभी का एलपी कोट्टयम टू एलपी के ट्रिप में बोटिंग में। नथिंग कुछ ही दूर में अब हम पहुंच जाएंगे अपने बोट मेन स्टेशन एलपी के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आप यहाँ ना हो के भी आपने मेरे थ्रू इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और यहाँ पे ये बोट राइडिंग बहुत ही कमाल की थी, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ।